वाराणसी के ककरमत्ता स्थित आदर्श बाल विद्यालय में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से अर्पितांजलि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सभासद रामाश्रय मौर्य एवं सभासद इंद्रदेव पटवा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान वकील अंसारी ने किया। इस अवसर पर उभरते हुए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सर, ये संस्कृति मंत्रालय से है, भारत सरकार की तरफ से, नई दिल्ली से है, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बच्चे परफॉर्म उनको स्टेज नहीं मिलता है और जो हमारी संस्कृति लुप्त हो चुकी है उसको उभारने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि बच्चों तक ये बात जाए। जो बच्चे आज हिप हॉप और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं तो हमारी संस्कृति को भी सीखें। आगे इनको कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा इसके आगे? सर, इससे प्लेटफॉर्म उन्हें बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसे ही शोज हम कराते रहेंगे ताकि बच्चे और आगे बढ़े। इनाम भी मिलता है, दिल्ली तक ये प्रोग्राम जाता है तो उन्हें प्रोग्राम्स के लिए भी बुलाया जाता है। अगर बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आगे स्कोप इनके लिए बहुत अच्छा है। कार्यक्रम में लखनऊ से आए कलाकारों ने पपेट शो और डांस की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष शिल्पी श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अपनी संस्कृति के कजरी लोकगीत इत्यादि विलुप्त होते जा रही हैं, जिसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।